हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू क्लाइमैक्स सिटी। हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म के साथ, जिसका नाम है प्रे फॉर द डेविल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, जिसे डायरेक्ट किया था हमारे डैनियल स्टेम ने। ये फिल्म बेस्ड है एक नन पर जो रोमन कैथोलिक चर्च में एक्सोरसिज्म सिखा रही होती है और कैसे ब्रेवली वो डेमोनिक पोजीशन को कॉन्फ्रंट करती है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। So without further ado, अब मूवी देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम एन रहता है, वो बंद कमरे में बैठकर प्रे कर रही होती है कि तभी उसकी मॉम उसे दरवाजा खोलने को बोलती है, लेकिन एन दरवाजा नहीं खोलती और डर के मारे प्रे करती रहती है। दरवाजा न खुलने पर एन की मॉम जोर जोर से अपना सर दरवाजे में पीटती है और दरवाजा टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची अब एक सिस्टर बन गई है और डॉक्टर पीटर्स के साथ सेशन कर रही होती है, जहां उनसे उनकी माँ के बारे में पूछा जाता है। अब क्योंकि चर्च का हर एक स्टाफ के लिए सेशन एक मैंडेटरी रहता है, इसलिए एन को ना चाहते हुए भी अपने पास्ट के बैड मेमोरीज को बताना पड़ता है। सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि सिस्टर एन की माँ डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही होती है एंड उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया था। प्लस सिस्टर एन हमें यह भी बताती है कि उनकी माँ को किसी स्पिरिट ने पोसेस किया था, क्योंकि उनकी मॉम रोज रात को कमरे में आती थी। कभी वो नॉर्मल, लविंग और काइंड होती थी या कभी कोई और बन के आती थी, जैसे कि वो किसी के वश में है। साथ ही वो एन के हेयर को कॉम करती थी एंड उसे बहुत हर्ट करती थी। इस पर डॉक्टर पीटर्स कहती है कि अफसोस की बात है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वो आपको अब्यूज कर रहा है। एन बीच में ही बोलने लग जाती है कि मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती थी, हर्ट करने के बाद वो मुझे हग करके सॉरी बोलती थी और कहती थी कि एक आवाज़ जो उनके दिमाग में गूंज रही थी उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि 1835 एडी में वैटिकन ने रोम में एक स्कूल एस्टैब्लिश किया ताकि वो प्रेस को एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार कर सके, लेकिन 2018 एडी में पोजेशन के रिपोर्ट्स ग्लोबली आने लग गए थे, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम रोम से बाहर दूसरे शहरों में भी ये स्कूल्स बनाए गए। लेकिन नर्स को सिर्फ पेशेंट के केयर करना ही अलाउड है और उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने की इजाज़त नहीं है, ये सिर्फ प्रीस्ट ही कर सकते हैं। यहाँ बोस्टन में सेंट माइकल के नाम से एग्जॉर्सिज्म स्कूल था, प्लस एक कैथोलिक चर्च भी था जहाँ सिस्टर एन पेशेंट का केयर करती थी। वो एक्सेस कार्ड के थ्रू रूम में जाकर उनके प्रोग्रेस चेक करती थी। बट एन को बचपन के इंसिडेंट्स के चलते वो बाकी प्रीस के साथ एग्जॉर्सिज्म सीखने का शौक था, जो रूल्स के खिलाफ है। डॉक्टर पीटर्स एक साइकेट्रिस्ट थी और वो ये स्पिरिट पोजीशन में बिलीव नहीं करती थी, प्लस वो नन्स को साइकेट्रिस्ट और माइंड के बारे में पढ़ाती थी। उनका कहना था कि कैथोलिक चर्च बहुत सारे लोगों को जो दिमागी तौर से पेशेंट है उन्हें स्पिरिट ने पोजेस किया है ये कहकर मार दिया जाता था। इवन ये स्कूल जो 18th सेंचुरी में इसलिए बिल्ड हुई थी क्योंकि यहाँ भी अकल्ट बढ़ गए थे। चर्च के लोग जो रिलीजियस सेरेमनीज करते थे वो सस्पेक्टेड वुमेन को डार्क आर्ट परफॉर्मेंट करने का ब्लेम लगाकर नीचे बेपटिज्म वेल में डुबा दिया जाता था ताकि ईवल स्पिरिट उन्हें छोड़ दे। ऐसे अनगिनत लोगों को उस वेल में डुबा दिया गया, लेकिन चर्च भी समय के साथ इवॉल्व हुए और उन्होंने रूल बनाया कि हम जैसे साइकेट्रिस्ट लोगों को एज अ पेशेंट पहले चेक किया जाएगा और अगर उसके बाद रिजल्ट नेगेटिव है यानी बियॉन्ड साइंस तो चर्च अपने तरीके से हैंडल करेगा। क्लास के बाद एन वापस पेशेंट को चेक करती है और इस बार वो एक न्यू पेशेंट हैंडल करती है जो एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम नैटली होता है। डॉक्टर पीटर्स अपने साथी प्रीस्ट के साथ नैटली की कंडीशन बताती है कि उसे सीजर्स, मसल पेन और हाइपर सेल्वेशन हो रहा है। नैटली की मॉम उसे इसलिए एडमिट करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये किसी स्पिरिट का काम है। सिस्टर एन नेटली को कैंडी देती है और उसके बने ड्राइंग्स देखती है। नेटली सिस्टर एन को फेवरेट पर्सन बताती है एंड दोनों एक दूसरे से काफी अटैच हो जाते हैं। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात का समय है और काफी तेज बारिश हो रही है। सिस्टर एन अपने कमरे में बैठकर बचपन की उसी बैड मेमोरीज में चली जाती है जहां उसकी मॉम उसे कंगी करते वक्त बहुत हर्ट करती है। एन वापस अपने प्रेजेंट टाइम पे आती है और अपने रूम के विंडो बंद करती है कि तभी उसे विंडो में नेटली का रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। एन तुरंत पलट के देखती है लेकिन पीछे कोई नहीं दिखता। फिर एन को दरवाजे के नीचे किसी की परछाई दिखाई देती है। वो दरवाजा खोलती है लेकिन वहां भी कोई नहीं दिखता। अगले दिन एन वापस पेशेंट को चेक करने के लिए जाती है कि तभी उसको कॉरिडोर में अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि उसे जाने दो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। एन घबरा कर पीछे मुड़ती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और प्लस उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। एन वापस जाने लगती कि तभी उसके सामने नेटली आ जाती है जो अपने कमरे से बाहर आ गई थी। इस पे एन थोड़ा शॉक होती है क्योंकि पेशेंट कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। पूछने पर नेटली कहती है कि वो बस एन से मिलना चाहती थी। एन उसे समझा बुझाकर उसे वापस अपने कमरे में लेके आ जाती है। नेटली को कमरे में छोड़ने के बाद एन स्टेयरकेस के थ्रू वापस आ रही होती है कि फिर उसे अपनी माँ की वॉइस आती है, लेकिन अगेन उसे कोई दिखाई नहीं देता। एन थोड़ा आगे बढ़ती है और तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो बल्जेरियन लैंग्वेज में कुछ बोल रही होती है।
आवाज का पीछा करते हुए एन फादर क्वीन की क्लास में जा पहुंचती है, जो प्रीस्ट को एक्सोरसिज्म के बारे में समझा रहे होते हैं। फादर क्वीन टर्मिनल केसेस के बारे में समझा रहे होते हैं, जहां एलन नाम के एक विक्टिम का टेप दिखाते हैं। इस टाइप का जो टर्मिनल केसेस है वो वेटिकन से सॉल्व करते हैं। एन चुपचाप रूल के खिलाफ क्लास में जाके बैठ जाती है। अब क्योंकि फादर क्वीन एन के एक्सोरसिज्म को लेकर इंटरेस्ट जानते थे, इसलिए वो उससे कुछ नहीं बोलते और अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास के बाद एन लाइब्रेरी में एलन की फोटोज और रिकॉर्डिंग सुनती है, जहां रिकॉर्डिंग में बार बार बल्जेरियन का एक वर्ड काफी रिपीट हो रहा होता है। सर्च करने पर एन को पता चलता है कि एलन को भी दिमाग में वॉइस सुनाई देती थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इस सीन में हमें यह भी पता चलता है कि जो वॉइस है वो एन को अपने साथ लेके जाना चाहती थी, अपने साथ रखना चाहती थी, क्योंकि एन गॉड की चूजन सोल्जर है। लाइब्रेरी में एन टर्मिनल केसेस के बारे में और भी जानना चाहती थी, इसलिए वो लाइब्रेरियन से उन केसेस के फाइल को देखने की इजाजत मांगती है। अब क्योंकि ये फाइल्स काफ़ी सेंसिटिव थी, इसलिए लाइब्रेरियन उसे तुरंत मना कर देती है। इतने में सिस्टर इफोमिया एन को लेकर फादर क्वीन से मिलती है। सिस्टर इफोमिया काफ़ी ज़्यादा एन और फादर क्वीन से नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने रूल्स के खिलाफ जाकर एन को एक्सोरसिज्म का क्लास अटेंड करने दिया था। सिस्टर इफोमिया दोबारा एन को नंस का एक्चुअल वर्क यानी पेशेंट को केयर करना और मर्सी दिखाने के बारे में याद दिलाती है। एन इस बात को लेकर काफी ज्यादा अपसेट होती है और सिस्टर का ऑर्डर मानकर अपने काम के लिए निकल चलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एन क्लार्क नाम के एक पेशेंट को स्पॉन से पीट साफ कर रही होती है कि अचानक क्लार्क एक सॉन्ग गुनगुनाने लगता है जो एन की मॉम गाती थी। एन हैरान होती है और क्लार्क से उस गाने के बारे में पूछती है। अमेजिंगली क्लार्क, जो कभी कुछ नहीं बोलता था, वो आंसर देता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी रूम में लगे स्पीकर से एन की मॉम का वॉइस आती है, जो वही गाना गा रही होती है। डर के मारे एन भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और क्लार्क एन का गला दबाकर क्रीपी तरीके से अपने टंग को बाहर निकालता है और जबरदस्ती डांस करने लगता है। जैसे तैसे एन क्लार्क को नीचे गिराती है और सब नॉर्मल हो जाता है। कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरा से कार्डिनल मैथ्यूज, जो चर्च के हेड हैं, वो सिस्टर इफोमिया और फादर क्वीन ये इंसिडेंट देख रहे होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक डीमन सिस्टर पे हमला किया, वो भी बिना किसी वजह से। इस पे सिस्टर इफोमिया सजेस्ट करती है कि एन के प्रोटेक्शन के लिए उसे वापस कॉन्वेंट भेज दिया जाए, लेकिन फादर क्वीन कहते हैं कि डीमन कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये बेटर होगा कि हम उसे एक्सोरसिज्म सिखाएं, क्योंकि एन का एक पर्सनल रिलेशनशिप है डेविल के साथ। और सिचुएशन को देखते हुए सभी ये बात को मान जाते हैं। एन बाकी सारे प्रीस के साथ क्लास अटेंड करती है और चर्च के सेल्स की तरफ जाती है, जहां पोजेस पीपल को रखा जाता है। फादर क्वीन सबको प्रेयर याद करने और सब्जेक्ट यानी उस पर्सन के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि डॉक्टर पीटर्स इस सब्जेक्ट के बिहेवियर में काफ़ी डिफरेंट देखी थी, जो नॉर्मल नहीं है, इसलिए इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। एन उस सब्जेक्ट को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं नैटली होती है। नैटली की एक्सोरसिज्म करने के लिए फादर डांटे और रेमंड जाते हैं सारी तैयारी और क्रॉस के साथ, प्लस फादर क्वीन उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि डेविल आपके डार्क सीक्रेट्स पेन रिवील करेगा, लेकिन आप प्रे करते रहना। दोनों फादर्स नैटली के पास जाके प्रे करने लगते हैं, लेकिन नैटली उनसे बिल्कुल नहीं डरती और अपने उंगलियों के थ्रू जोर से अपना कान बंद करती है और उसके आंखें वाइट हो जाती है। फादर डांटे तुरंत उस पर होली वाटर छिड़कते हैं, जिससे नैटली एकदम से दीवार पर चढ़ जाती है और फादर डांटे को बहका देती है, जिससे वो प्रेयर पे फोकस नहीं कर पाते। डीमन के पावर के चलते लाइट्स फ्लिकर करने लगे थे, जिससे दोनों फादर प्रेयर करना भूल चुके थे। नैटली नीचे आती है, ग्लास के थ्रू एन के तरफ देखती है और बहुत ही डरावने तरीके से नैटली अपने आंखें बंद करती है और हम देखते हैं कि हाथों में से कीड़े निकलते हैं। एन ये देखकर घबरा ही रही थी कि तभी नैटली मुझे अंदर आने दो कहती है। ये सब देखकर फादर क्वीन भी हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत अपने साथ क्रॉस और बुक लेके अंदर जाते हैं और थोड़ी देर तक नैटली को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन उनसे काफी ज्यादा तेज था और वो उनके बहकावे में नहीं आ रहा था। फादर को भी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। नैटली की हालत एन से देखी नहीं जा रही थी, वो भी तुरंत क्रॉस और बुक लेके अंदर जाती है और नैटली को अपनी आवाज में बुलाती है, जिससे ओरिजिनली नैटली जवाब देती है, लेकिन डीमन उसे नीचे गिराता है और नैटली के पूरे बाल उसके गले के अंदर जाने लगते हैं। फादर रेमंड और डांटे बाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ एन और फादर क्वीन प्रे करते रहते हैं। लगातार प्रे करने की वजह से डीमन नैटली के मुंह से अपना हाथ बाहर निकालता है और उसका बाल छोड़ देता है, जिससे नैटली नॉर्मल हो जाती है। इसी बीच फादर डांटे को नैटली की ड्रॉइंग में प्रेग्नेंट लड़की को देख के अपसेट हो जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में फादर डांटे हमें नैटली की ड्राइंग और अपनी बहन के बारे में बताते हैं, जो रेप की विक्टिम हो चुकी थी, प्लस वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और अपने बच्चे को खो दी थी, जिससे वो आज तक अफेक्टेड है।
इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर एन एक डरावने सपना देखती है कि वो क्लास अटेंड करने के बाद एक कमरे में व्हाइट कपड़े से ढकी हुई एक लाश देखती है। एन उसकी तरफ जाती है और कपड़ा हटाती है जहां उसकी माँ की लाश दिखाई देती है। एन हैरानी हो रही होती है कि तभी पीछे से कुछ आवाज आता है। कोई ना दिखने पर एन वापिस मुड़ती है कि लाश वहां से गायब हो जाती है और एन की माँ सडनली पीछे से आके उसका गला दबाती है जिससे एन उठ जाती है। अगले दिन एन नेटली से मिलने जाती है जहाँ नेटली उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो एक कमरे में रहती है जहाँ बहुत से लोग उसी आवाज के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और ताजुब की बात यह है कि एन भी उसके सपने में होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही होती है। ये कहकर नेटली सो जाती है। इसका मतलब नेटली अभी भी डीमन के पोजेस में है। एन ये बात फादर क्वेन से कहती है जिससे फादर उसे टर्मिनल केस कहकर वेटिकन में भेजने का डिसीजन लेते हैं। एन उसके साथ रहना चाहती थी लेकिन फादर क्वेन उसे मना करते हैं और प्रे करने के लिए कहते हैं। प्लस वो ये भी कहते हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं आत्मा में होती है। रात में एन अपने साथ होने वाली सारी चीजें डायरी में लिख रही होती है और विक्टिम जो वेटिकन में भेज दिए जाते हैं उनके बारे में पता करने के लिए अगले दिन लाइब्रेरी में फादर डेंटी की मदद से रिस्ट्रिक्टिव सेक्शन में छुपके घुस जाती है। एन लाइब्रेरी में रहकर उन सारे फाइल्स और केसेस को देखती है जिसमें पेशेंट वेटिकन में भेज दिए गए थे। सारे फाइल्स में सिर्फ एक ही फाइल थी जिसमें एक लड़की बच जाती है। एन उस लड़की की टेप देखती है जहां हमें पता चलता है कि डीमन शेम एंड गिल्ट को अपना हथियार बनाता है और विक्टिम को कंट्रोल करता है। यहाँ डॉक्टर पीटर्स के साथ सेशन में एन बताती है कि उसकी माँ भी गिल्ट में थी क्योंकि वो एन को बहुत हर्ट करती थी। इसलिए एक दिन एन की मॉम अपनी लाइफ खुद खत्म कर देती है और एन अपने आप को इस बात का दोषी ठहराती है। अगले दिन एन नेटली के कमरे में नहीं जा पा रही होती है क्योंकि चर्च ने उसे टर्मिनल केस बताकर उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। नेटली नाराज होकर फादर क्विन से बात करती है और लाइब्रेरी में पढ़े हुए नोट्स और केसेस के बारे में बताती है जिसमें 90% विक्टिम वेटिकन में मर चुके हैं एक्सोरसिज्म के चलते। प्लस एन बिलीव करती है कि पोजेस पर्सन को गिल्ट से बाहर लेके आने से वो डीमन को अपने अंदर आने नहीं देंगे। इस पे फादर क्विन आर्ग्यू करते हैं कि नेटली जैसे इनोसेंट चाइल्ड के अंदर क्या गिल्ट हो सकता है और एन को वार्निंग देते हैं कि अगले बार उसने अगर रूल तोड़ा तो वो चर्च से बाहर कर दिए जाएगी। फादर डेंटे जो ये सब सुन रहे होते हैं वो एन को ये बात प्रूव करने के लिए उनकी बहन का अनऑथोराइज एक्सोरसिज्म करने का सजेशन देते हैं। पहले तो एन मना करती है लेकिन फादर डेंटे के रिक्वेस्ट को मानकर रात को एक्सोरसिज्म करने के लिए उनके घर जाती है। फादर डेंटे की मॉम के थ्रू में पता चलता है कि एमिलिया जो फादर डेंटे की बहन है वो 3 दिन से लगातार सो रही है। एन और फादर डेंटे उसके कमरे में जाते हैं जहां एन होली वाटर से एमिलिया के माथे में क्रॉस बनाती है जिसे एमिलिया अजीब सा वॉइस निकालती है और अपने पेट को स्क्रैच करती है। एन फिर से होली वाटर एमिलिया के पेट में लगाती है। सडनली एमिलिया आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। एमिलिया वॉइस के बारे में बताती है और फादर डेंटे एक्सोरसिज्म करने लगते हैं जहां हमें बहुत ही भयानक सीन दिखाई देता है कि एमिलिया दर्द से चिल्लाती है और उसका पेट एकदम से बड़ा हो जाता है और उसमें किसी बच्चे के हाथ पैर दिखाई देते हैं। एन एमिलिया से बात करती है और अपने आप से कन्फेस करने और डीमन के बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद एमिलिया नॉर्मल हो जाती है। इस सीन में हमें ये बात पता चलती है कि एन 15 साल की उम्र में माँ बन गई थी बट अपनी माँ के साथ पास्ट इंसिडेंट की वजह से उसे डर था कि वो एक अच्छी मॉम नहीं बन सकती। एन की प्रेगनेंसी के चलते उसे फॉस्टर रूम से निकाल दिया गया था इसलिए वो सेंट मैरी सिस्टर के साथ रहने लगी थी और उन सब ने एन का ख्याल रखा और उस छोटी बच्ची को अडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। एन ये सारी बातें पहली बार फादर डेंटे को बता रही होती है क्योंकि एमिलिया के एक्सोरसिज्म के समय डीमन ने ये बात कही थी और एन ये गिल्ट आज भी अपने मन में रखी थी। एनीवे अगले दिन हम देखते हैं कि एन अपनी पास्ट मेमोरीज में होती है कि तभी सिस्टर इफुमिया रूम में आती है और एन को कार्डिनल मैथ्यू से मिलने के लिए कहती है। इस सीन में पता चलता है कि चर्च अथॉरिटी को एमिलिया का अनऑथोराइज एक्सोरसिज्म के बारे में पता चल जाता है क्योंकि एमिलिया रात में सुसाइड कर ली थी और ये बात एमिलिया के मॉम ने बताया था। चर्च का भरोसा टूट जाता है इसलिए एन सेंट मैरीज में वापस चली जाती है और अपना दिन वहीं गुजारती है। फिर एक दिन डॉक्टर पीटर्स वहां आती है और कहती है कि वो हिम्मत ना हारे। प्लस वो ये भी कहती है कि नेटली रिलीज हो गई है और आज मॉर्निंग में ही उसे अपनी माँ के साथ भेज दिया गया। ये सुनकर एन बहुत खुश हो जाती है और डॉक्टर पीटर्स उसे नए रास्ते पर आगे बढ़ने को कहती है लेकिन चीजें इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हुई थी क्योंकि फादर डेंटे एन को इन्फॉर्म करते हैं कि नेटली अचानक से रिलैप्स हो गई और एम्बुलेंस में उसने 2 फादर और ऑर्डिनेंस को मार दिया था और फादर डेंटे के हाथ में सेंट मैरीज का एक लॉकेट दिया था। एन लॉकेट देखते ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये लॉकेट एन ने अपनी छोटी बच्ची के हाथ में बांधा था। इसका मतलब नेटली ही एन की बेटी है और डीमन उसके थ्रू एन पे कंट्रोल करना चाहता था। एन को अपनी बेटी को ऐसे सफर करना नहीं देना चाहती थी इसलिए वो फादर डेंटे के साथ वापस चर्च में जाती है।
चर्च अथॉरिटीज और कोई लाइफ रिस्क में नहीं करना चाहते थे, इसलिए नेटली को एक्सोर्सिज्म के लिए रोम में ना भेजकर चर्च के अंदर बेसमेंट में होल्डिंग सेल्स में रखा गया था। एन फादर डैंटे के साथ जाती है जहां उसे वही बैपटिज्म बेल दिखाई देता है, प्लस साथ ही वही देखती है कि कुछ प्रीस्ट और फादर रेमंड वहां प्रे कर रहे होते हैं। उनके सामने नेटली चेन से बंधी रहती है। फादर रेमंड फादर डांटे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि तभी नेटली एन को स्ट्रेंजर की तरह एक्ट ना करने के लिए कहती है क्योंकि इनविटेशन उसी ने भेजा था। इस पे एन डीमन को नेटली को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन तभी अंधेरा हो जाता है और मेटल्स क्रैक करने की आवाज़ आता है और एक एक करके सारे प्रीस्ट और फादर रेमंड को कोई पुल करके वहां से लेके जाता है। फादर डेंटे और एन रेमंड को ढूंढते हुए अंदर आते हैं और उसे मरा हुआ देखते हैं। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें नेटली मिलती है। डीमन एन को प्रवोक करता है बट एन प्रवोक नहीं होती, लेकिन नेटली को ऐसे नहीं देख सकती थी इसलिए वो डीमन को अपने अंदर आने देती है। डीमन नेटली के शरीर से निकल कर एन की बॉडी में चले जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। फादर डेंटे जल्दी से नेटली को लेकर वहां से जाने लगते हैं लेकिन गेट बंद हो जाता है। यहां एन की बॉडी पूरे तरीके से डीमन के कंट्रोल में आने लगती है। फादर डेंटे नेटली को छुपने कहते हैं और डीमन को रोकने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि डीमन जो एन के अंदर है वो गेट के बाहर रहती है और फादर डेंटे को मारती है जिससे वो दीवार से टकराते हैं। यहाँ नेटली छुपी हुई होती है कि एन के अंदर का डीमन उसे उठाता है और वेल के सामने उसका गला दबाने लगती है कि तभी एन की मॉम का वही आवाज आता है जहाँ वो ये कह रही होती है कि जाने दो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। साथ ही हम कुछ डॉक्टर पीटर्स का सीन देते हैं जिसमें एन अपनी माँ की तारीफ कर रही होती है कि उसकी मॉम हमेशा डीमन से अंदर ही अंदर लड़ती रहती थी। एन ये बातें याद कर होश में आती है और बेबी नेटली को याद करते हुए उसका गला दबाना छोड़ देती है और बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाती है। एन अपने आप को वेल में डालने की कोशिश करती है लेकिन डीमन उसका पैर तोड़ देता है। दूसरी तरफ फादर डेंटे होश में आ जाते हैं और दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं। एन बड़ी मुश्किल से अपने माथे में क्रॉस रखती है और धीरे धीरे अपने आप को वेल में डुबा देती है और डूबते हुए अपनी माँ डॉक्टर पीटर्स फादर क्वीन एमिलिया का एक्सोर्सिज्म याद करते हुए बेहोश होने लगती है। लेकिन फादर डेंटे एक दरवाज़ा खोल देते हैं और देखते हैं कि वेल पूरा धुआं धुआं हो जाता है और लाइट्स वापस आ जाती है। इसका मतलब डीमन जा चुका था। फादर डेंटे तुरंत एन को बाहर निकालते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एन हॉस्पिटल में लेटी हुई है और नेटली उसे मिलने आती है और ड्राइंग देके कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी और गले लगाती है। नेटली अपनी मॉम के साथ चली जाती है और एन उसे जाते हुए देखती है। एन की इस बहादुरी के लिए उसे वैटिकन में भेज दिया जाता है जहां वो बड़े बड़े प्रीस्ट के साथ एक्सोर्सिज्म सीखेगी। एन इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फादर क्वीन उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह एन अब डीमन को समझती थी अब बिल्कुल डीमन भी उसे समझता था। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एन कैब में वैटिकन के लिए निकलती है कि वो विंडो से एक औरत को अपनी ओर घूरते हुए देखती है, प्लस कैब ड्राइवर अजीब तरीके से उसका नाम बुलाता है और वही गाना दोहराने लगता है। एन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वो औरत विंडो के सामने आ जाती है। एन पीछे से भागने की कोशिश करती है लेकिन कैब ड्राइवर उसके पीछे बैठा होता है। अपने दोनों ओर मुसीबत को देखते हुए एन अपने बैग से क्रॉस निकालती है और कैब ड्राइवर के सामने रखती है और एक डरावने आवाज के साथ कैब ड्राइवर उसके सामने आ जाता है और फिल्म एंड हो जाती है। सो इस तरीके से आज हमारी फिल्म यही खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को और कमेंट करके बताइए कि आप अगली मूवी किस में देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।